सपनों की। इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। एडमिशन है ना, आओ तुम्हारा कल्याण करवा दे। जिंदगी में जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो उसे पीछे खींचने के लिए कई लोग तैयार रहते हैं। अरे एक स्कूल वाले कहते हैं कि मुन्ना बहुत छोटा है, तो दूसरे ही स्कूल वाले बोलते हैं मुन्ना बहुत बड़ा है। तो बताओ ये क्या है? का, का माने कौआ। और ये क्या है? खा, खा माने खाना। कैसा लगा अपना नया स्कूल? जी अच्छा है। इसे रोज दोपहर को यहाँ 3 बजे पहुँचना है, ठीक है? तुम रोज क्लास में देर से आते हो, अपना काम टाइम पर नहीं करते, क्लास में सबसे पीछे रह गए हो तुम। चल तेरे स्कूल का टाइम हो गया, 3 बज गए, आज तुझे छोड़ दूं। चल। नहीं नहीं वो स्कूल बंद है आज। मैं प्रकाश के बारे में पता करने आई थी, कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। आप इसकी पढ़ाई में इसकी मदद कीजिए। जी अच्छा मैं चलती हूँ। और सुनिए, कल से आपकी जिम्मेदारी है कि प्रकाश रोज स्कूल आए। जी नमस्कार। क्या बात है, लगता है आज रोशनी मैडम से ब्याह की बात करने जा रहे हैं। चाचा की शादी थोड़ी है। अच्छा चाचा को नौकरी मिलने वाली है। अरे नौकरी कहाँ? अब वो तो इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा। कौन सा व्यू? बेवकूफ इंटरव्यू। वो श्याम लाल के भतीजे से बात हुई थी। अच्छा। और उसने अपने बाबू से बात की है। हाँ। आज बुलाया है हमें। परंतु काम क्या है? यही ऑफिस में भागा दौड़ी। हाँ। अब कोई साहेब की कुर्सी बिठाने से तो रहा। हाँ, क्यों नहीं बिठाएगा? ए, जरा कंठ लंगोट दीजो। हाँ दे। कौन सा लंगोट? बेवकूफ टाई टाई। हाँ। टाई। अच्छा अच्छा वो चौसा चाचा का आपको दे देंगे तो हम क्या पहनेंगे? अबे चल बे देना, बहुत देर हो रही है। अब साहिब लोग यही पहन के तो ऑफिस जाते हैं। और क्या, हम भी पहन के जाएंगे तो काम बन जाएगा। स्मार्ट लगेंगे, स्मार्ट हमारे चाचा। हाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ हो गया। नहीं अच्छा लग रहे ना। अच्छा कोई बात नहीं, लगता है बड़े मियाँ को ही जाना पड़ेगा, ये हमारी किस्मत में नहीं था। अब ये जो स्टाइल है हमारा, यही चलाते हैं आज है? और क्या? यही ठीक लगेगा एकदम। मैं उनसे पूछता था। सुनिए। सुनाइए। वो हमारी माँ है और वो उनके साथ हमारी बहन है। हम अपने पिताजी का पता ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा शहर है बेटा, यहाँ बहुत सारे पिताजी हैं। तुम कौन से पिताजी को ढूंढ रहे हो? जी ये उनका पता है। हाँ देखा, 3/40 है। ये तो हमारा घर है, हमारे तो कोई औलाद नहीं थी। तुम बेटा कैसे आ गया? नहीं नहीं, हमारे पिताजी का नाम चतुरलाल रामलाल है, ऑटो चलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चतुरलाल के यहाँ से हो। सारा गांव नहीं आया, पहले वो अब ये। चलो दिखाते हैं तुमको।
अब तो चकाचक लग रहे हैं, क्या ख्याल है चतुर भैया, मिलेगी कि नहीं? भाई नौकरी का तो पता नहीं, पर छोकरी जरूर मिल जाए तुझे। राजू सावित्री साथ में बच्चे भी। अब हम क्या करते जी, गांव तो पूरा सुनसान पड़ा है, बाढ़ की वजह से सब लोग गांव छोड़ के भाग गए। हमने सोचा कि आपके पास आकर ही कोई हल निकालेंगे। बापू वहाँ पर सब स्कूल बंद हो गए, हमारी पढ़ाई भी रुक गई। पढ़ाई रुक गई मतलब राजेश भी नहीं पढ़ा? नहीं बापू, दीदी हमको रोज पढ़ाई करती थी। हाँ अब हम बहुत समझदार हो गए, दीदी और माँ को तो हम ही लाए थे गाँव से। अरे शाबाश मेरा राजा बेटा। लेकिन सावित्री वो बात क्या है कि शहर है ना, कुछ ज्यादा ही महंगाई है यहाँ पे, और तुम तो ये देख ही रही हो कमरा छोटा सा है, यहाँ पे रमेश और मैं पहले से ही रह रहे हैं। नहीं कुछ दिनों के लिए तो हम उसे मना लेंगे कि तुम सब यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन उनका बाद का इंतजाम करना तो पड़ेगा ही ना। अब आप जो ठीक समझिए, गांव तो पूरा सुनसान पड़ा है, इसलिए हम रेखा से कहे थे कि तुम्हारे बापू के पास चलते हैं, वो ही कोई हल निकालेंगे। हाँ नहीं हल तो निकालेंगे ही, कोई सोचना पड़ेगा। अरे भैया कहा ना नहीं, तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है, कुछ लिख पढ़ नहीं सकते, तुम्हारा करेंगे क्या हम? अम्मा मियाँ कहाँ को चकाचक स्टाइल लड़की देखने जा रहे हो? नहीं भैया नौकरी ढूंढ के आ रहा हूँ। अम्मा शक्ल तो ठीक है पर अकल का क्या करोगे? अब वो तो जितनी होगी उतनी रहेगी ना। अच्छा अपना पर्चा पकड़ाओ। क्या पकड़ाओ? अरे वही जिस पर नाम पता उम्र काम वगैरह वगैरह लिखा होता है। मजाक कर रहे हो क्या, जब खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्या लिखवाएंगे? लो कर लो बात, अम्मा उसके बगैर कोई काम मिलता है? मान लो भैया अपना कागज बनवाओ फिर देखो क्या काम मिलता है। कुछ नहीं होने वाला, आज की नौकरी तो गई ना हाथ से। अरे कैसे गई है, यहाँ नहीं तो कहीं और? अरे नौकरी तो एक बार कागज बनता है तो यूं चुटकी में मिलती है। अच्छा तो अब हम चलते हैं, शाम को मिलेंगे, तब तक तुम सब भी आराम कर लो, शाम को घूमने चलेंगे। ए राजू किसी चीज की जरूरत पड़े तो चौरसिया चाचा की दुकान पे हो जाना है। टॉफी भी मिलेगी? अरे सब कुछ मिलेगा। सुना है भाभी आई है? अरे हाँ बैठी आई है। राम राम कैसी हो? बहुत सुना आपके बारे में, देखने को अब मिल रहा है। अरे क्या टुकुर टुकुर क्या ताक रही हो, ये हमारी लक्ष्मी भाभी है। ओफो हमारे वो चौरसिया भैया की वो इंग्लिश मैडम है। भैया अच्छा भाभी हम चलते हैं, इन सबको आपके हवाले छोड़े जा रहे हैं। अच्छा जा रेखा चाची के लिए पानी ले आ, ये हमारी बेटी है रेखा। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटी नमस्ते, बहुत प्यारी है। ये राजेश। अरे तू तो बहुत बड़ा है, अपने बाप को चिट्ठियाँ लिखता रहता है। चतुर भैया तो इतने प्यार से इसकी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, हम में से किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जी पढ़ते हैं और क्या, वैसे आप हैं बहुत भाग्यवान, पढ़े लिखे से शादी काफी सौभाग्य की बात है। कमाल है। ए ए प्रकाश। हाँ पता है तुझे पापा मेरी चिट्ठियाँ पढ़ते थे। ओ बहुत प्यार से। वही तो मैं भाभी को बता रही थी, कभी कभी हमें भी आपका हाल सुना देते हैं। आपको भी चाची? दीदी वो काफी बदल गए हैं शहर आके, गांव में तो ऐसे नहीं थे। चाची ये शहर ही ऐसी कुछ चीज है ना लगता है। अब आप आ ही गई हैं तो आपसे खूब बातें हो पाएंगी, क्या पता आप हमें पढ़ना सिखा दें। हमें चतुर भैया से पूछते बहुत शर्म आती है। शुक्र है। क्या कुछ नहीं चाची, मैं कह रहा था कि राजेश को मैं अपने साथ चाचा की दुकान पे ले आता हूँ। हाँ ठीक है, ये तेरी माँ ने तेरे लिए भेजी है, इसको पहन लियो। कह रही थी कि राम भैया तो नौकरी की तलाश में गए हैं, वो और तेरे दादा घर में अकेले हैं। अच्छा चल जाओ, जो चाचा की दुकान पर आखिरी में पहुँचेगा वो बंदर। ये प्रकाश बहुत सताने मगर हमें बहुत प्यारा लगता है, हमारा बस चले तो हम इसे यही रख लें हमेशा के लिए। का, रामाने घोड़ा अब क्या हुआ?
इतने सारे घर वालों को कैसे रखेंगे? गधा मजदूरी है भाई, और तुम की घा घोड़ा पढ़ाए जा रहे हो। कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल मत सोचना। तुम जब सोचते हो उल्टा सोचते हो, तुम्हारा सोचना बहुत महंगा पड़ता है हमें। ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा करते हैं कि बाकी की पढ़ाई कल करते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब पापा लेंगे टेस्ट तो क्या करोगे तब? यहाँ जिंदगी हमारा इम्तिहान ले रही है और तुम पापा पापा की रट लगाए रखे हो। भाई जवान लड़की है, उसको कहाँ रखेंगे? लड़का है, आवारा घूमता रहेगा, हजार मुसीबतें है हमारे सर पे। तुम अपने लड़के लड़की को स्कूल को नहीं भेजते? प्रकाश भी तो जाता है। अरे हाँ, ये लड़के का स्कूल में भेजने का आइडिया अच्छा है। यहाँ पे जब तक है पढ़ता रहेगा। वाह वकील साहब वाह, चलो तुम्हारी समझदारी का हम तुम्हें फीस देते हैं। आज की फीस ऑरेंज बार या चौक बार? अरे जो मांगोगे बार बार मिलेगा। वाह यार, तू तो वो काम करता है, पैसे मिलते हैं। आओ नहीं तो क्या, मैं काम के साथ साथ फोन भी उठाता हूँ, पर यार इसके कनेक्शन नहीं है। अच्छा जब चाचा जाते हैं तो सारा काम तू संभालता है, तो अभी क्या कर रहा हूँ? मेरे को पान भी लगाना आता है, वो भी मीठा सादा सब कुछ। सब कुछ? हाँ। वाह यार, ये तो कमाल हो गया, और साथ में स्कूल भी, तू तो कमाल कर गया यार। शहर है शहर, यहाँ सब कुछ हो जाता है, काम पढ़ाई ऐश भी। ऐश भी? और नहीं तो क्या। कहो बबुआ, कैसा लगा हमारा अंग्रेजी पान का दुकान? यहाँ अंग्रेजी पान मिलेगा? मिलेगा क्या, मिलता नहीं है। मिलेगा तब ना, जब यहाँ पर किसी को अंग्रेजी आती हो। यहाँ पर अभी पान मिलता है, वो भी देसी। भाई वाह, भाग्यवान वाह। हाँ भाई, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा खाना खाने को मिला, वरना तेरे हाथ का खा खा के तो अपना पेट ही खराब हो गया था। चाचा आपके कल के काम का क्या हुआ? भैया वो कहते हैं मेरे लायक कोई काम ही नहीं है। अब बताओ, मैं कोई डॉक्टर या वकील थोड़ी हूँ कि मेरे लायक काम ना हो। मैं तो कोई भी काम करने को तैयार हूँ, फिर भी काम नहीं मिलता। तो आप भी पापा की तरह ऑटो के नहीं चला लेते? हाँ। फिर आपको भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। नहीं भैया, हवलदार मियाँ ने एक हल सुझाया है, बस आपकी मदद की जरूरत है। हाँ, कहो कहो। वो कह रहे हैं कि अपना एक चिट्ठी लिखवा लो। अच्छा। अपनी जिंदगी का लेखा जोखा। अच्छा, तो वो आप लिख देंगे ना? मुझसे लिखवाइएगा? हाँ। तो मिल गई नौकरी क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब हमारे दिमाग में तो एक आप ही है ना जो ये काम कर सकते हैं। ये लीजिए, हम कागज भी लाए हैं। कागज ले आए? हाँ, और कलम भी है। कलम? हाँ लीजिए। हाँ, अब तो राम ही जान बचाए। पूरा नाम बोलिए। रमेश कुमार। अरे हाँ, रमेश ही तो है नाम। हाँ। तो आ की मात्रा। ये कैसे लिख रहे हैं? साफ साफ लिखिए ना, नौकरी का सवाल है। साफ नहीं है? आप मजाक समझ रहे हैं। नहीं, वो बाबू की लिखाई अच्छी नहीं है, आपने बताया नहीं इनको? बचपन में मास्टर जी इनके हाथ पर बहुत तेज डंडा मारा था। अपना पाठ लिखवाते थे ना, तभी से इनकी लिखाई खराब है। सच्ची? हाँ। सच्ची, मैं लिख दूंगी, मेरी लिखाई बहुत अच्छी है, मास्टर जी ने भी यही कहती है। हाँ बेटा, तू ही लिख देना। हाँ चलो मैं लिख देता। अच्छे से लिखना। अरे जान बची सो लाखों पाई। ये क्या मजाक बनाए हैं आप? सबको ये बोले हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, सबसे झूठ बोले हैं आप। अरे नहीं भाग्यवान, देखो शहर में ऐसा ही चलता है। चुप रहिए। अरे ए राजेश, तू जाके सबको बताना दीजो, तोहरे बापू की नाक कट जाए। चल बेटा चल, तू सर पे हमारे अच्छे से चंपी कर। बड़ी मुश्किल से खेल रचाए, अब तुम सब मिलके इस पे पानी नहीं फेर देना, समझे? चुप रहिए। अब आप समझते क्यों नहीं, वहाँ इतने लोग हैं, यहाँ कुछ दिन के लिए आ गया तो क्या है? अरे नहीं, वो वर्कर है हमारा, कहाँ है यहाँ साहब लोगों के बीच में। कौन साहब लोग? आप ये स्टाइल हमारे साथ मत मारिए, जाइए बोल के आइए, वो यही रहेगा। हम नहीं जाएंगे, तुम भी बस। कोई बात नहीं है भाभी, आप रोज रोज थोड़े आते हैं, कुछ दिन की तो बात है, आप आराम से रहिए, हम बाहर सो जाएंगे, वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा है नहीं? आपको भी निकाल दिया क्या भाभी ने? चलिए हमारे साथ सो जाइए, आइए। नॉनसेंस। प्रकाश मैडम तुमको वहाँ कह रही है सोने को। अरे नहीं नहीं भैया, तुम और भाभी आराम से सो ना, हम ठीक है। अरे नहीं भैया, मैडम ने नीचे जमीन पे बिस्तर का बंदोबस्त कर लिया है। चला चला जा, चला आजा, बाकी तुम सबको गुड नाइट। हाँ ठीक है ठीक है।
भाग्यवान, हम क्या सोच रहे हैं कि जब तक तुम लोग शहर में हो, हम रजेश्वर को स्कूल में दाखिल करवा दें। वो भी प्रकाश की स्कूल में, दोनों साथ में आवेंगे जावेंगे। सो तो ठीक है, यहाँ घर में भी क्या करेगा। हाँ, तो काम करते हैं, आज ही हम अनिंदा मैडम से बात कर लेते हैं। ए, तो प्रकाश की कक्षा में है ना। हाँ बापू, और मैं 11वीं में है। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं 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 नहीं, ये शहर है, तुम आप स्कूल में नहीं जा सकती हो। नहीं पर बापू, मैं क्या करूँगी, मेरी तो पढ़ाई रुक जाएगी। अरे कितनी पढ़ाई लिखाई करोगी, अब तुम शहर में आ गई हो, तुम्हारा रिश्ता ढूंढेंगे भाई। पर मैं बापू शादी नहीं करूंगी, मेरी पढ़ाई तो खत्म होने दो। आहे जवान लड़ा रही हो, सावित्री मना करो इसको, ये शहर है, जवान लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के सपने छोड़ दो। देख देख लिखा, बापू ने सोच कर ही फैसला किया होगा। ए राजेश, देर हो रही है, चलो। क्यों भैया, कैसी रही, आराम की नींद आई? हमें क्या प्रॉब्लम है, आराम ही आराम है। अच्छा, और वो कहाँ गया तुम्हारा वर्कर? मारेंगे तुमको हम, हमारे पान चुराने बंद कर दो तुम। पान चोर कहीं का हो गया होगा अपने घर में, कहाँ पे काम करने। वो घर पे क्यों? हम सोचे मैडम को मदद हो जाएगी। लेकिन भाभी जी तो उसे सर पर चढ़ा कर रखती है। कैसे इंसान हो भाई तुम, वो उसको अपने जूते पे रखती है, जूते पे, वर्कर है वर्कर। नॉनसेंस। आज तो जा रहा है दुकान पर। हाँ बेटा, ठीक से रहियो, हाँ तंग मत करियो। काहे रो रही है, तेरे बापू ने कुछ सोचा ही होगा ना जो कह रहे हैं। क्या सोचा होगा, शहर में लड़के स्कूल नहीं जाती क्या? जाती होंगी, जब तेरे बापू को नहीं पसंद तो क्या कर सकते हैं। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है और उसके बाद। उसके बाद क्या? काम करना है। तेरे बापू तुझे कभी काम नहीं करने देंगे। उनका बस चलता तो सिर्फ वो राजेश को ही स्कूल जाने देते, मुझे तो पैदा होते के साथ ही ब्याह देते। वो समझते हैं कि राजेश पढ़कर बड़ा आदमी बन सकता है, मैं नहीं। तो मैडम कब से भेज दूं राजेश को? कल से भेज दो, प्रकाश के साथ आ जाएगा। अच्छा तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो भी तो आई है ना गाँव से, वो गांव में स्कूल भी जाती थी, उसे कब भर्ती कराओगे? वो क्या है मैडम, वो शहर में आके पढ़ना नहीं चाहती है, कहती है घर के काम काज सीखेगी। अच्छा अच्छा भी है, अब तो उसके ब्याह का सोचना ही है। ब्याह? पर अभी तो वो 18 साल से छोटी है। हाँ लेकिन गांव में 14-16 में ब्याह हो ही जाता है, और वैसे भी ब्याह वही करना चाहती है। दीदी शादी नहीं करना चाहती है, वो पढ़ लिख कर काम करना चाहती है। चुप कर बेवकूफ कहीं का। मैडम ये तो थोड़ा पागल है, इसको जरा सा लाइन पे लाना होगा आपको। हैं? अच्छा तो कल भेज देंगे इसको, चल। पढ़ना अरे रमेश जरा दिखाना वो जादुई पर्चा अपना। अरे पहले कोई पान वान खिलाओ फिर दिखाएंगे। पान भी खाओ, ये ले अब पर्चा दिखा जाओ। क्यों भाई चौरसिया, ऐसे क्या देख रहे हो, कोनो फिल्म हीरोइन की तस्वीर है क्या? अरे नहीं भैया, ये तो रमेश का जादुई पर्चा है, इससे इसको नौकरी मिलने वाली। अरे ये जादुई थोड़ा ही होता है, इसका तो स्टाइल होता है। ला दिखा। हाँ ठीक है, काम बन जाएगा, चलो हम करते हैं। अरे बैठो। ऐसे कहाँ जाओगे, अरे हाथ का लिखा थोड़ा ही चलता है, इसका तो टाइप होता है टाइप। हाँ जाके प्रभु की दुकान से टाइप करा ले इसको, हमारे यहाँ से पान जाता है, वहाँ हमारा नाम ले लीजो, 10-5 पैसे कम कर देगा। और क्या, फिर देखियो ऐसे चकाचक बनाकर अपना कागज आगे देगा ना तो कमाल हो जाएगा। अरे रमेश एक मैडम जा रही है, मैडम से भी पूछ ले, मौका है मौका। मैडम मैडम क्या है, कहा था ना आपको। नहीं नहीं वो हम नौकरी के लिए जा रहे थे, ये पर्चा बनवाए हैं, जरा एक बार देख लेते दो। ओ बायोडेटा, थोड़ा छोटा है। अब छोटे आदमी और क्या लंबा लंबा लिखवाएंगे, अपना नाम पता उम्र और कहाँ काम करते हैं ये सब तो लिखवा दिया, माँ बाप का नाम और गांव तो हमें खुद नहीं मालूम, तो लिखवाएंगे क्या। ठीक है लेकिन ये यहाँ पर ऐसा करना है ना। कमाल है देख लो, और तुम कहते हो उस पुड़िया में जादू नहीं है, देखो मैडम कैसे हंस हंस के बात कर रही है। सो तो है, मुझे नहीं पता था, ये तो काफी
काम की चीज है। मैं तो समझता हूँ हलदार, तुम भी एक बनवा ही लियो। लो पान खाओ। प्रकाश ये ठीक है ना, हम जो कहते हैं वो हमेशा ठीक होता है। बापू ने पकड़ लिया ना तो ऐसी मार लगेगी, वो सोचते हैं कि हम स्कूल गए। बापू पकड़ेगा तब ना। वो देख वो देख, ये बापू पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है? तू ना स्कूल से ही बेवकूफ था, मैंने सोचा स्कूल से निकलने बाद थोड़ी सी तो अकल आएगी। वो राहुल है, राहुल आजकल बाप क्या हो जिससे पढ़ता है। ओ ए राहुल। हाँ क्या, ये चतु चाचा का लड़का है, शहर में नया आया है, ये मेरे स्कूल में आया है कुछ सीखने के लिए। ठीक है हम सिखा देंगे। अच्छा उठा। ये क्या है, इससे क्या होगा, नामुमकिन से हमें क्या करेंगे? बेवकूफ समझाया हमें, एक कागज पर कुछ लिखवा दोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। ए भैया जाओ जाओ कहीं और जाओ, यहाँ सब बहुत बिजी हैं। कहाँ ना नहीं मिल सकती, तुम अपने सिनेमा में ही टॉर्च दिखाओ। चलो चलो जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे नहीं भैया कोई काम नहीं है यहाँ, जाओ। तुम लोग स्कूल नहीं जाते? जाते हैं ना, आज छुट्टी कर ली। जब मैडम पूछती है तो कह देते हैं कि काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिला, और जब काम पे लेट पहुंचते हैं तो कह देते हैं कि स्कूल से जल्दी छुट्टी नहीं मिली। बच्चों को भी तो अपना टाइम चाहिए होता है, हमें जो स्कूल पढ़ाई है वो, बच्चे बड़े कैसे होंगे फिर आज क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, मैडम तभी फिक्र करती है जब दो तीन दिन साथ निकल आता है, कल स्कूल चले आएंगे। गाँव में तो मास्टर जी बहुत मारते थे अगर एक भी दिन स्कूल नहीं गए। यहाँ सब चलता है। ए पिक्चर देखे? कौन सी? सुनो छुट्टी वाली, वो डिशम डिशम। हाँ सर। ए राजेश तू अपना मुंह बंद रख वरना। कैसे मुकाम आया था आखिर में? अबे हाँ डिशम डिशम। कैसे एक घर से दूसरे घर में छलांग लगाया था? मुझे तो लगा था वो गिर जाएगा। अब तू तो कहा था कि आप गिरा लल्लू कहीं का, अब जल्दी चल कहीं चाचा ना आ जाए। अच्छा पापा पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? तू चुप हो जाओ, मैं चाचा को समझा दूंगा। अच्छा क्या समझा दोगे? कि आजकल स्कूल में पढ़ाई की जगह पिक्चर दिखाते हैं, हैं? ये समझाओ ठहर तुम्हारी तरफ से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे छलांग लगाते हैं। बैठो बैठो, घुसो घुसो इसके अंदर। अभी तुम्हारी अब मैडम आप ही बताइए क्या करें हम इन नालायकों का। हम तो रोज सुबह शाम आ नहीं सकते इनको लेने लिवाने, ऑटो रिक्शा भी चलाना पड़ता है, समझते नहीं है ये, कान के नीचे दो बजाना चाहिए इनको। मारने से नहीं सुधरेंगे चतुला, कोई एक बड़ा चाहिए जो इन्हें स्कूल भी ला सके और घर पर भी इनका ध्यान रख सके। अरे मैडम हम कहाँ से लाएंगे कोई बड़ा, हम नहीं जानते किसी बड़े को। जानते तो हो, कोई एक तो है, अपने घर में ढूंढो, वो उन्हें स्कूल भी लेकर आएगी और घर में भी इनका ख्याल रखेगी। तुम्हें भेज रहे हैं उन दोनों नलायकों पे नजर रखने के लिए, जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तुम स्कूल जाओ है? लेकिन सिर्फ तब तक, समझ गई? जी बापू, थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। खुश एक छोले का पत्ता बनाना भाई। पत्ते खत्म हो गए भाई साहब, आज पहला चांस है जो पत्ते खत्म हो गए। अगर आपके पास कागज हो तो उसको दे दो, मैं उसमें बना दूंगा। ये लो। कभी कभी एक छोटे से धक्के से एक साक्षरता आंदोलन शुरू हो सकता है। ये छोटा सा आंदोलन हर नए सैनिक के साथ और मजबूत होता जाता है। इससे ये जरूर पता चलता है कि हमारे व्यक्तिगत इरादे सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम हर चीज को जानबूझकर सोच समझ कर चुने। एक का साक्षर होना अच्छा है लेकिन सबका साक्षर होना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क ख ग से ना ही जिंदगी शुरू होती है और ना ही खत्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे नजरअंदाज कर दें। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इसका सहारा जरूरी होता है। आखिर कौन नहीं चाहता कि वो कुछ और बने, कुछ और करे, लेकिन कुछ बनने के लिए झूठ का सहारा कोई सहारा नहीं होता, इससे और मुश्किलें पैदा होती हैं। सच्चा आत्मविश्वास कभी नहीं मिल सकता।
झूठ का जाल रचने से पहले हम सब अगर सच का सामना करें, जो मौका जिंदगी लाती है उसका फायदा उठाएं, तो फिर हम अपना खुद का सच खुद लिख सकते हैं। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। गगन में तारे चमकेंगे।